हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और यहाँ पर आज मैं कोर्ट की अपडेट दूंगा आप सभी को। हाई कोर्ट लखनऊ में जो 68,500 वैकेंसी के कट ऑफ का जो केस चल रहा है, उसकी जो सुनवाई होने वाली थी आज, तो उसी के बारे में ये अपडेट है। तो चलिए पूरी बात करेंगे। आप सबको पता है कि मैटर क्या है। कट ऑफ 45% और कट ऑफ 33% की जो लड़ाई है, इसमें बैकलॉग में आज सुनवाई होने वाली थी, जो कि अब सोमवार को सुनवाई होगी, तो इसमें डेट पड़ गई। तो चलिए जानते हैं पूरी बात। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट अनअकैडमी की। दोस्तों, फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड गेट अपडेट्स अबाउट माई न्यू कोर्सेस। यस, वहां पर आप मेरे सारे लेसन्स देख सकते हैं। 3 कोर्सेस अब तक पब्लिश हो चुके हैं और आप स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिनसे मैं पढ़ाता हूँ, और वीडियोस को ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि BTC के कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा केस किया गया था कट ऑफ को 45% करने के लिए, और इसमें अंतरिम आदेश आया था कि रिज़ल्ट PNP डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन जो कट ऑफ रहेगा वो 40% और 45% ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि अब इधर से बैकलॉग में सरकार को काउंटर लगाने के लिए कहा गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई काउंटर नहीं लगाया है और आज इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो फ्रेश केस में अब इसकी जो सुनवाई होगी वो सोमवार को अब इसकी सुनवाई होने की संभावना है। देन आपको अब आज तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि कट ऑफ 33% के विषय में क्या प्रोग्रेस है और कट ऑफ 45% के विषय में क्या प्रोग्रेस है। दोनों ही केस बहुत ही मजबूत स्थिति पर है। वैसे ज़्यादातर चांसेस की अगर हम बात करें तो 33% वाला जो मुद्दा है वो मजबूत है, लेकिन 45% वाला मुद्दा भी कमज़ोर नहीं है। उनके पास भी एक वे है, एक आधार है 45% करवाने का। बट इन फ्यूचर में भी देखते हैं क्या हो सकता है, ये तो अनसर्टेन है। अगर किसी से भी इस समय पूछा जाए कि कट ऑफ 33% रहेगा या 45, तो श्योर है कि वो 100% श्योर है कि कोई भी नहीं बता पाएगा। बट इन माई वे मैं आपको बता दूँ, 60% जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कट ऑफ जो जाएगा शिक्षक भर्ती का, वो 33% ही जाएगा, क्योंकि इसके बारे में कई फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपकी जो परीक्षा हुई है वो 33% को मान करके हुई है, आपने परीक्षा 33% को मान के दी है, दोबारा से जो आवेदन हुए हैं वो भी 33% मान के हुए हैं, सरकार ने भी यही कहा है कि जो भर्ती होगी वो 33% और 30% कट ऑफ को मान करके होगी। तो आने वाले दिनों में सरकार की तरफ ही रुख जा सकता है इस चीज़ का, और भले ही अभी ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट आने वाले दिनों में ऐसा कुछ फैसला आएगा जिससे सभी विद्यार्थियों में संतोष आ जाएगा, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात हो जिससे कि उन्हें आगे आने वाले दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सके। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के हित की बात के लिए सोच करके कट ऑफ को 33 और 30 किया जा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू 45% केस, देयर इज़ आल्सो द सर्टेनिटी दैट द कट ऑफ विल आल्सो गो ऑन द 45%। सो जस्ट वेट एंड वॉच टिल द एंड, देखते हैं क्या होता है। यू गाइज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आगे की जो अपडेट होगी, जो अगली सुनवाई की, वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।